हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट माने जाते हैं क्योंकि यूएसए को सबसे पावरफुल कंट्री का दर्जा मिला है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट भी पावरफुल हुए, ये तो आम बात है। लेकिन इस वीडियो में हम यूएसए के प्रेसिडेंट की तो बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उनकी कार द बीस्ट के बारे में। यह कार अपने आप में ही टैंक से कम नहीं है। इस कार पर ना तो बॉम्ब ब्लास्ट का असर होता है और ना ही किसी बुलेट्स का, मतलब कि इस कार का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इतना ही नहीं, इस कार में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह कार सारी सुविधाओं से लैस है। तो चलो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आप द बीस्ट के बारे में सब कुछ जान सको, मतलब सब कुछ। नंबर 10, डोनाल्ड ट्रंप की बीस्ट को कैडिलैक कंपनी ने बनाया है और यह एक आर्मर्ड लिमोजिन है और अमेरिका के प्रेसिडेंट इसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसका एक स्पेसिफिक नाम भी है जिसे द बीस्ट कहते हैं। कार 24 सितंबर 2018 को ट्रंप के काफिले में शामिल हुई। इसने अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बराक ओबामा की ऑफिशियल लिमोजिन कैडिलैक वन को रिप्लेस भी किया है। तो नंबर 9, ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी स्पेशल कार है, इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक है, जिसमें पावरफुल कंट्री के पावरफुल प्रेसिडेंट रहते हैं, तो इसकी प्राइस कितनी होगी। तो अंदाज़ा लगाओ कितनी हो सकती है, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। गैस करवाना मुश्किल है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इसकी प्राइस है 1 करोड़ 58 लाख डॉलर। हाँ, डॉलर में बता रहा हूँ मैं। अगर इसे हम रुपये में कन्वर्ट करें तो ये होता है 1 अरब 13 करोड़ 15 लाख 96 हज़ार रुपये। अगर इस प्राइस का कंपैरिजन किया जाए लैम्बोर्गिनी के साथ, तो तुम इतने प्राइस में 38 लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हो और इतने ही प्राइस में तुम 28 फरारी खरीद सकते हो इन इंडिया, इंडिया में। ओके, नंबर 8, बीस्ट की खिड़कियां ग्लास और पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, वो भी इसके 5 लेयर्स होते हैं। इन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। जहाँ पे प्रेसिडेंट बैठे होते हैं वहाँ की खिड़कियाँ बिल्कुल नहीं खुलती हैं, खुलती हैं तो सिर्फ ड्राइवर की खिड़की, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 इंच तक। इस कार की दरवाजे की मोटाई एरोप्लेन के दरवाजे जितनी मोटी होती है। नंबर 7, अमेरिका के प्रेसिडेंट की कार द बीस्ट इतनी पावरफुल है और उसकी टायर इतने ज़्यादा पावरफुल है कि यदि इस कार के टायर किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि इंजर्ड हो जाता है, तो भी कार चलती रहेगी क्योंकि इसका पहिया कभी पंचर ही नहीं होता, क्योंकि इसके रिम जो है ना वो स्टील के बने हैं। अगर इस टायर पे बॉम्ब भी गिर गया तो भी इसका कुछ नहीं होगा, यह चलती रहेगी। नंबर 6, अगर हम इसके बॉडी की बात करें तो इसका वज़न 6 टन है और यह 18 फीट तक लंबा है। ड्राइवर के साथ साथ इसमें 7 लोग और बैठ सकते हैं। 96 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यह दौड़ सकती है। इसके अलावा बीस्ट की बॉडी 5 इंच मोटी है, जिसे स्टील, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और सिरेमिक से बनाया गया है। कार के फ्रंट में आंसू गैस ग्रेनेड लॉन्चर है और नाइट विजन कैमरे भी लगे हुए हैं। चेसिस पर बेहद मजबूत स्टील प्लेट्स लगी हुए, जिसके चलते कार पर बम्प और माइंस का भी असर नहीं होता है। नंबर 5, तो अब हम बीस्ट के पीछे के कंपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। बीस्ट के पीछे के कंपार्टमेंट में अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा 4 और लोग बैठ सकते हैं। कार के केबिन को एक शीशे से 2 हिस्सों में किया गया है, जिसे सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप नीचे कर सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे एक पैनिक बटन भी दे रखा है और ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए ऑक्सीजन सप्लाई भी वहाँ पर मौजूद है। नंबर 4, तो अब हम बात करते हैं द बीस्ट के दरवाजे और फ्यूल टैंक के बारे में। तो द बीस्ट कार के दरवाजे आर्मर प्लेट्स 8 इंच तक मोटे होते हैं। इसका वज़न बोइंग 757 के कैबिन के दरवाजे के वज़न के बराबर है। दरवाजे बंद करने के बाद यह 100% के लिए सील हो जाते हैं। इसके बाद इस कार के अंदर कोई भी केमिकल या हथियार छू भी नहीं सकता। इस कार पर सीधा टक्कर का भी कोई असर नहीं होता है। नंबर 3, द बीस्ट में प्रेसिडेंट
ट्रंप के सीट के पास एक सैटेलाइट फोन है। यह फोन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और पेंटागन यानी कि अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस से डायरेक्ट कनेक्टेड है। यदि कोई इमरजेंसी आती है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई उस सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। नंबर दो, इस कार के फ्यूल टैंक को एक स्पेशल फॉर्म से ढका जाता है ताकि बम ब्लास्ट के वक्त और भी कुछ सिचुएशन के टाइम पे फ्यूल टैंक ब्लास्ट ना करे। खबरों के मुताबिक यह मात्र 3 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देता है। इस कार में मेडिकल सप्लाई भी उपलब्ध है ताकि इमरजेंसी के वक्त काम आ सके। नंबर वन, प्रेसिडेंट की सेफ्टी के लिए इस कार में टीयर गैस मशीन और शॉटगन भी हैं और प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप वाला खून भी है जो एक फ्रिज में रखा रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसमें उनको खून देने की ज़रूरत पड़ जाए या फिर अटैक हो जाता है तो उस टाइम यह काम आएगा। इसके अलावा कार में उनका अपना खुद का GPS डिवाइस भी होता है जिससे उन्हें ट्रैकिंग भी किया जा सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के द्वारा जो अमेरिका के हैं, और इससे वो किसी और जगह के लोकेशन का भी पता कर सकते हैं खुद से। रुको रुको, अभी वीडियो क्लोज मत करना क्योंकि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस फैक्ट रह रहा है, तो इसे देखने के बाद ही तुम वीडियो को अलविदा कहना। ओके, बोनस फैक्ट, इस कार का ड्राइवर कोई मामूली ड्राइवर नहीं होता बल्कि US सीक्रेट सर्विसेज द्वारा ट्रेंड किया गया एक सीक्रेट एजेंट होता है। इस ड्राइवर को इमरजेंसी के टाइम पर निपटने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी गई होती है। यह ड्राइवर कार को 180 डिग्री भी घुमा सकता है। ड्राइवर के कैबिन में एक सैटेलाइट फ़ोन और एक GPS ट्रैकिंग सिस्टम भी होता है जिससे वह दूसरे खुफिया एजेंसियों में कॉन्टैक्ट कर सकता है इमरजेंसी के टाइम पर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी चाहिए तो ऊपर आई बटन होगा उसे क्लिक करिए, बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी तो अभी जाके देखिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।